हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। पिछले दिनों एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लीन इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं आप iOS 17 का अपने आईफोन के अंदर। ये मैं आपको बताने वाला हूँ क्लीन इंस्टॉलेशन क्या होता है। iOS 17 हम iOS 16 के बाद लेके आए अपने फोन के अंदर डायरेक्टली ओवर द एयर हमने जो है उसको डाउनलोड इंस्टॉल किया। जो अपडेट्स आती रेगुलर जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो, तो इसमें क्या होता है कई बार बहुत सारे बग्स होते हैं, बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके फोन में सॉफ्टवेयर रिलेटेड है वो ये क्लीन इंस्टॉलेशन जो है उसको सॉल्व कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तो मेरे आईफोन में भी रिसेंटली एक प्रॉब्लम आया था जहाँ पे स्टोरेज जो है एक्सेसिव ऑक्यूपाई हो गया था इसके अंदर, और उसका रीजन भी समझ में नहीं आ रहा था। अब थोड़ा बहुत स्टोरेज जो है रिटर्न आ गया है, मैं क्लीन इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं और जितने भी प्रॉब्लम्स मेरे आईफोन में वो मैं सॉल्व करना चाहता हूं। आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आप भी जो है अपने आईफोन के मैक्सिमम प्रॉब्लम, चाहे वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बैटरी प्रॉब्लम हो, हीटिंग का प्रॉब्लम हो, वो क्लीन इंस्टॉलेशन के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको या तो एक कंप्यूटर चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, विंडोज पीसी हो, मैकबुक हो, कुछ भी हो, इसमें से कुछ भी रहेगा तब भी आप ये चीज कर पाएंगे। अगर नहीं है तो एप्पल स्टोर के जो सर्विस सेंटर है उनकी मदद आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि बैकअप जो है आपके आईफोन का कैसे बनाना है। क्लीन इंस्टॉलेशन करने के पहले आपको अपने आईफोन का बैकअप बनाना होता है। तो बैकअप बनाने के दो तरीके है। अगर आपके पीसी मैक में जगह नहीं है तो कैसे आप बैकअप बना सकते हो, आपके आईफोन के अंदर आपको फ्री अनलिमिटेड बैकअप का ऑप्शन देखने मिलता है। तो सेटिंग में जाइए, जनरल में जाइए, यहाँ पे सबसे नीचे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में जाइए और यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर फॉर अ न्यू आईफोन, इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। आपका सारा डेटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आईक्लाउड के ऊपर अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है द लास्ट बैकअप कुड नॉट बी कंप्लीटेड, यहाँ पे लिखा आएगा कि बैकिंग अप योर डेटा। तो जितने भी जीबी का आपका आईफोन है, चाहे 1 TB का है, पूरा 1 TB आप आईक्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब आप अपने आईफोन पे iOS वापस इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सेटअप फ्रॉम आईक्लाउड का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आप फिर से वो बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीसी या मैक या फिर कोई भी विंडोज का लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ऐसा है जिसमें स्टोरेज अच्छी खासी है, तो आप क्या कर सकते हैं आइए बताते हैं। ये मेरा मैकबुक है, इस पर बता दूंगा, विंडोज के लिए भी सेम है। अपने पीसी या मैक से सबसे पहले जो केबल आई है आपके आईफोन के साथ, उसके साथ उसको कनेक्ट कर लीजिए। और आईफोन के साथ वाली केबल आपके पास नहीं है, खराब हो गई है, तो कोई भी MFI सर्टिफाइड, अगर लाइटनिंग वाली है तो MFI सर्टिफाइड, टाइप सी वाली है तो अच्छी क्वालिटी केबल, जो भी केबल आपको लेना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पास नहीं है अच्छी क्वालिटी की तो वहां से ले लो, खराब क्वालिटी की सस्ती केबल से डेटा लॉस आपका हो सकता है। अब पीसी या मैक पे थोड़ा सा डिफरेंस है, विंडोज पीसी रहेगा तो iTunes करके फ्री सॉफ्टवेयर है एप्पल का, वो डाउनलोड कर लो और उसके बाद का स्टेप सेम है। और मैक अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको फाइंडर ओपन कर लेना है, फाइंडर के अंदर आपको आपका आईफोन नजर आएगा, इस पे टैप कर लो और यहाँ पे आपका आईफोन कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके आईफोन पे पासकोड है तो बोलेगा पासकोड एंटर करने के लिए, वो एंटर कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर तो मेरा लेटेस्ट है iOS 17.2.1, लेकिन मुझे बनाना है बैकअप। अब बैकअप के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमको चूज करना है बैकअप ऑल ऑफ द डेटा ऑन योर आईफोन टू दिस मैक, और एनक्रिप्ट भी करना है आपको लोकल बैकअप को। अब ये दोनों करने के बाद एनक्रिप्ट लोकल बैकअप में एक पासवर्ड डालने आपको बोलेगा, वो पासवर्ड को आपको याद रखना है और जब रिस्टोर करेंगे उस टाइम पे वो पासवर्ड काम आएगा आपके। मैंने ऑलरेडी बैकअप बना के रखा है क्योंकि ऑब्वियसली बैकअप के लिए बहुत टाइम लगता है, 400 GB के करीब मेरे फोन में फुल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनक्रिप्टेड बैकअप है और आज सुबह यानी कि रात के 4 बजे के करीब मैंने इसको बनाया था। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब तक बैकअप बन रहा है आपको जाना है अपने विंडोज पीसी या मैक के ब्राउजर के अंदर, सफारी, क्रोम, जो भी होगा उसको ओपन कर लो और यहाँ पे आपको टाइप करना है ipsw.me। अब ये वेबसाइट जो है इसके अंदर से आप ऑफिशियल जो iOS लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से अपना प्रोडक्ट चूज कर लो जो कि आईफोन है, एड्स वगैरह आएंगे इसके ऊपर उसको बंद कर लो। इसके बाद अपना मॉडल चूज कर लो, जैसा मेरा यहाँ पे 15 प्रो मैक्स है, और यहाँ पे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी या मैक पे। फिर इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लो और यहाँ पे डाउनलोड करके लिखा है 8 GB के आसपास का है, तो इसको डाउनलोड कर लो अपने पीसी या मैक पे। गाइस अभी आपका बैकअप बन चुका है आपके पीसी या मैक पे या फिर आईक्लाउड पे, तो आगे आपको क्या करना है, आगे का काम पूरा पीसी या मैक पे ही होने वाला है और हमारा जो फाइल है वो भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है 8 GB की। ये ऑफिशियल जो एप्पल की फाइल होती है वही है, बस अलग वेबसाइट से हम डाउनलोड करें क्योंकि एप्पल अपने वेबसाइट से डाउनलोड करने देता नहीं है। एंड इट इज कम्प्लीटली सेफ, ये कोई मैलवेयर वगैरह नहीं है और ये आईफोन है, इस पे आप वो सब चीजें इंस्टॉल कर भी नहीं सकते। तो अब हमारे ब्राउजर को जो है हम बंद कर देंगे पीसी या मैक के ऊपर और यहाँ पे हमारा फाइंडर ओपन कर लेंगे या फिर iTunes अगर आप विंडोज कर रहे तो। अब iTunes जब आपने ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखिए लास्ट बैकअप बन चुका है आपका, जो टाइमिंग होगा लास्ट बैकअप का वो बताएगा, फोटोज ऐप कितने हैं, क्या है, ये सब बताएगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मैनेज बैकअप पे टैप करो और यहाँ पे देख लो कि आपका बैकअप बन गया है या नहीं, और अगर फोन से किया है तो फोन में आप देख ही सकते हैं कि बैकअप बना है या नहीं, लेकिन ये थोड़ा सेफ मेथड होता है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, चेक फॉर अपडेट या फिर रीस्टोर आईफोन, तो दोनों ही पे क्लिक आपको डायरेक्टली नहीं करना है। अगर आप मैक पे हो तो आपको लेफ्ट
ऑप्शन की, ये जो आपके यहाँ पे मैक पे दिया हुआ है, इसको प्रेस करके रखना है, और अगर विंडोज पे हो तो शिफ्ट की आपको प्रेस करना है लेफ्ट वाली, और ऑप्शन की दबा के जो है आपको क्लिक करना है रिस्टोर आईफोन के ऊपर। अब यहाँ पे बोलेगा फाइंड माई जो है आपके आईफोन का वो ऑफ होना चाहिए इसके लिए, तो आपको ऑफ कर लेना है सबसे पहले। वो कैसे कर सकते हैं, आपके आईफोन की सेटिंग में जाइए, अपने एप्पल आईडी पे टैप कीजिए, और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे फाइंड माई पे। फाइंड माई के अंदर फाइंड माई आईफोन में जाइए और इसको ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे आपके एप्पल आईडी का पासवर्ड पूछेगा और उसको डाल के इसको ऑफ कर लेना है। पासवर्ड डालते ही यहाँ पे टर्निंग ऑफ फाइंड माई आईफोन लिखाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। अब वापस अपने पीसी या मैक पे आ जाइए आप, और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को ओके करके फिर से ऑप्शन दबा के रिस्टोर आईफोन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सब ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें आपको जाना है डाउनलोड में, और यहाँ पे डाउनलोड के अंदर आपको मिल जाएगा अपनी IPSW फाइल। इस IPSW फाइल को यहाँ से ओपन कर लो। ये यहाँ पे बताएगा कि आपका जो मैक है या पीसी है आपके आईफोन को इरेज भी कर देगा और रिस्टोर भी कर देगा लेटेस्ट iOS 17.2.1 पे, जो हम चाहते हैं। अब रिस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर करके लिखा आ रहा है, इसको अपना काम करने दीजिए आप। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आईफोन जो है ये ऑफ हो गया है, अब ये ऑन होगा, इस पे एप्पल लोगो आएगा, ये यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, तो इसको अपना काम करने दीजिए, बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं और इसको ऐसे ही छोड़ देना। इस टाइप का आपको कोई अगर सिंबल नजर आए जहाँ पे कनेक्ट करने बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, जस्ट लीव इट लाइक दैट, और ये अपना काम खुद ही करते रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो अपना आईफोन जो है कंप्लीटली रीसेट हो गया और इसके अंदर नया जो iOS सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया। अगर आप सिर्फ रिस्टोर करते, जैसे मैंने ऑप्शन दबा के रिस्टोर पर क्लिक किया, वो नहीं करके सिर्फ रिस्टोर करते तो आपका फोन सिर्फ इरेज हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूरा iOS सिस्टम जो है रीइंस्टॉल हो गया और आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। और स्क्रीन पे आने के पहले अगर आपका आईफोन मैकबुक से या पीसी से डिस्कनेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो फिक्र मत करो, उसको वैसे ही छोड़ दो, ये अपने आप जो है ऑन हो जाता है। तो हेलो वाली स्क्रीन आती है, इस पे स्वाइप अप करना है आपको। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेना है, और इसके बाद कंट्री रीजन जो है आपका चूज कर लीजिए। जैसे मेरा इंडिया, तो मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अपीयरेंस वगैरह अगर पूछेगा तो नेक्स्ट कर लो। उसके बाद जो है सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस पे क्लिक कर लो, उसके बाद कंटिन्यू करो, उसके बाद अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लो। अब ये डेटा एंड प्राइवेसी के बारे में पूछेगा तो नेक्स्ट कर लो, उसके बाद सेटअप फॉर माई सेल्फ कर लो, उसके बाद सेटअप लेटर कर लो, उसके बाद पासकोड ऑप्शन में जाके डोंट यूज पासकोड पे टैप कर लो, फिर से डोंट यूज पासकोड पे टैप कर लो। अब यहाँ पे ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा करके जो स्क्रीन पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम आईक्लाउड बैकअप आपको चूज करना है। अगर आपने अपने आईफोन का बैकअप आईक्लाउड पे बनाया हुआ है तो वहां से आपको बैकअप मिल जाएगा, उसको बस रिस्टोर कर लेना है, बस क्लिक करना है, वो अपने आप पूरा काम कर लेगा। लेकिन मैंने जो है या आपने भी हो सकता है पीसी या मैक पे बनाया होगा, तो यहाँ पे फ्रॉम पीसी और मैक पे मैं क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड टू कंप्यूटर, और हमको कंप्यूटर पे ही सारा काम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मैक के स्क्रीन पे फिर से ये आईफोन जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे ये एक्टिवेटिंग दिखाएगा, इसको करने दो अपना काम। और इसके बाद सेटअप एज अ न्यू डिवाइस का ऑप्शन है, जो हमको नहीं करना है, हमको हमारा डेटा वापस चाहिए। तो ये जो हमारा बैकअप है यहाँ पे ऑलरेडी इट इज चोजन, अगर दो तीन होंगे तो वो आपको दिखा देगा। इसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लो, क्योंकि ये एक एनक्रिप्टेड बैकअप है, तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, और पासवर्ड क्योंकि मैंने आईक्लाउड कीचेन में रखा था तो यहाँ पे वो ऑलरेडी एंटर्ड है, तो बस रिस्टोर पे क्लिक करना है मुझे और ये अपना काम शुरू कर देगा। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग लिखाएगा, और ये काफी एक लेंथी प्रोसेस है, जितने जीबी का आपका आईफोन था, जितना स्टोरेज था उसके अंदर, जितना डेटा था, वो सारा यहाँ पे रिस्टोर हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टोर इन प्रोग्रेस जो है वो लिखा रहा है, बिल्कुल भी इसको छेड़खानी करना नहीं, इसको बिल्कुल भी जो है डिस्कनेक्ट करना नहीं, वैसा का वैसा आप इसको छोड़ दो, वरना सारा प्रोसेस जो है आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपका पीसी या मैक कमजोर है, उसकी बैटरी जो है वीक है, तो एक पावर सोर्स से उसको कनेक्ट जरूर कर लेना। और गाइस, तो 2-3 घंटे बीत चुके हैं जब रिस्टोरिंग का प्रोसेस पूरा हो रहा था, और अब जो है फाइनली रिस्टोरेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर एप्पल वॉच भी जो है उस पे भी ऑटोमेटिकली सेटअप होना शुरू हो गया, क्योंकि फोन में जो सॉफ्टवेयर आ गया वापस, तो जो एप्पल वॉच उससे लिंक थी वहां पे भी रिस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, सब ऑटोमेटिक है, टेंशन लेने की बात नहीं। अब यहाँ पे फोन को मैं अनलॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्टोर कंप्लीटेड करके लिखा रहा है, कंटिन्यू पे टैप करते हैं, फेस आईडी लगाने बोल रहा है, फेस आईडी लगा लेता हूँ। उसके बाद ये मुझे एक पासकोड क्रिएट करने बोलेगा, पहले वाला पासकोड हट जाएगा, और अब यहाँ पे मुझे अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड भी डालना है। पासकोड डालने के बाद, वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद, यहाँ पे सब चीजों को एग्री करते आगे चले जाना है, और सब चीज नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद वेलकम टू आईफोन आ गया। अब यहाँ पे मैं स्वाइप अप कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे अब ये केबल जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके पहले भी नहीं थी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हुआ उसके बाद भी, बट मैंने ऐसे ही इसको लगा के रखा था। अब मैं ये केबल यहाँ से हटा सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सारे एप्लीकेशन जो है रीइंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन उनका डेटा वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। तो गाइस, कुछ टाइम मैंने फोन को अपने साइड में रख दिया, मेरी वॉच भी सेटअप हो चुकी है, और फोन का भी सारा डेटा जो है वापस आ चुका है, जो भी एप्लीकेशन थे मेरे फोन में वो सारे वापस आ चुके हैं, जितने फोटोज वीडियो सारी चीजें थी, कंप्लीट डेटा जो है मेरे फोन का रिस्टोर हो गया है। यहाँ तक कि मेरे कॉल लॉग्स, मेरे मैसेजेस, कोई भी चीज जो है डिलीट नहीं होगी, यहाँ तक कि आपका व्हाट्सएप वगैरह भी सारा वापस आ जाएगा। हो सकता है कुछ एप्लीकेशन आपको बोले बस साइन इन करने के लिए, लेकिन साइन इन करने के बाद आपका डेटा वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि सारा डेटा का बैकअप आपके मैक पे या पीसी पे बना था या आईक्लाउड पे बना था, वो आपने वापस रिस्टोर कर लिया। एंड होपफुली इसके बाद आपका फोन जो है बेटर बैटरी लाइफ आपको देगा। कुछ ग्लिचेस थे, कुछ प्रॉब्लम थे, कहीं लैग हो रहा था, कहीं हैंग हो रहा था, तो वो चीजें भी आपकी सॉल्व हो जाएगी।
स्टोरेज रिलेटेड कोई भी इशू आपका था आपके फोन में, स्टोरेज ज्यादा इस्तेमाल हो रही है या फिर जो अदर्स वाला स्टोरेज होता है सिस्टम डेटा होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा ये सब करने के बाद। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है क्लीन इंस्टॉलेशन का। बस आपके पास जो है डिपेंड करता है आपके फोन में कितना ऑक्यूपाइड स्टोरेज है, उतना टाइम होना चाहिए ये सारा प्रोसेस करने के लिए। तो छुट्टी के दिन आप ये आराम से बैठ के कर सकते हैं और इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। यही दिखानी दोस्तों क्लीन इंस्टॉलेशन की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।